आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को जन शिकायतों के निस्तारण, IGRS एवं CM हेल्पलाइन, धान क्रय केंद्रों के संचालन एवं कानून व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा। कहा, समय से अपने कार्यालयों में उपस्थित रहकर अधिकारी करे जन सुनवाई, कानून व्यवस्था को रखे चुस्त दुरुस्त। गांधी जयंती पर मंडलायुक्त ने किया आयुक्त कार्यालय पर झंडारोहण। दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। उनके बताए रास्तों पर चलने का लिया संकल्प। गांधी जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी ने DM कार्यालय पर किया ध्वजारोहण। तिरंगे को दी सलामी। छात्र छात्राओं को वितरित किया गया छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र। कहा, दोनों महापुरुषों के जीवन को आत्मसात करने की है जरूरत। मनीष हत्याकांड की जांच करने कानपुर से गोरखपुर पहुंची SIT। तथ्यों और साक्ष्यों की कर रही है पड़ताल। हकीकत जानने में जुटी SIT। 48 घंटे हुई बारिश से पूरा शहर हुआ पानी पानी। टूटा 127 साल का रिकॉर्ड। नगर निगम की सारी तैयारी हुई फेल। जलभराव से नागरिक हुए हलकान। नगर आयुक्त ने कहा, 193 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई बारिश। निकासी के लिए लगाए गए 315 स्थायी और अस्थायी पंप सेट। 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक मनाए जाने वाले पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का राष्ट्रपति ने दिल्ली से किया वर्चुअल शुभारंभ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। विधिक साक्षरता एवं जागरूकता के लिए निकाली गई प्रभात फेरी। लोगों को किया गया जागरूक। गांधी एवं शास्त्री जयंती के अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल ने नगर निगम परिसर में किया झंडारोहण। सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। कहा, स्वच्छता के प्रति जागरूकता ही होगी दोनों महापुरुषों की सच्ची श्रद्धांजलि। गांधी जी एवं शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई गोष्ठी। दोनों महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। 2 अक्टूबर गांधी और शास्त्री जयंती पर मुख्य विकास अधिकारी ने बापू व शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। उनके जीवन पर डाला प्रकाश। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर SSP सहित अन्य अधिकारियों ने उनके चित्रों पर पुष्पांजलि कर दी श्रद्धांजलि। उनके पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। गांधी जी की जयंती के अवसर पर भाजपाइयों ने टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, दी श्रद्धांजलि। उनके किए गए कार्यों को किया याद। शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 47 केंद्रों पर 4,946 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 782 और सेकेंड डोज लेने वालों में 3,164 लोग रहे शामिल। CMO ने बताया, करीब 2,00,000 लोग समय पूरा होने के बाद भी नहीं लिए हैं सेकेंड डोज। लोगों से की अपील। कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर चलाए गए हस्ताक्षर अभियान। DM ADM सहित गणमान्य लोगों के हस्ताक्षर कर लिया नशा मुक्ति का संकल्प। गोरखपुर में शनिवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,418। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 13 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। और गांधी जयंती के अवसर पर गोलघर स्थित गांधी आश्रम के कर्मचारियों ने चरखा से सूत काटकर गांधी जी को किया नमन। कहा, खादी वस्त्र नहीं विचार है।